नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम, इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्र अधिकारी कुलपहाड़ तेज बहादुर सिंह की मौजूदगी में आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए शराब के अवैध कारोबार पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 3 थानों की संयुक्त पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी अजनर मलखान सिंह, मैं हमराह आदि ने अभियान चलाकर 4 नफर अभियुक्तों को शराब भट्टी लगाकर अवैध मदिरा निष्कर्षण करते समय मौके पर गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 4 अदद चढ़ी शराब भट्टी व करीब 2050 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज सीओ कुलपहाड़ और उनकी टीम, जिसमें उनके 3 थानों की फोर्स शामिल है, के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत थाना अजनर क्षेत्र में 2050 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। 4 भट्टियां बरामद हुई हैं जिन पर शराब बन रही थी। 22 कुंटल लहन इसमें नष्ट की गई है। साथ ही साथ शराब बनाने के जो उपकरण हैं वो बरामद हुए हैं और 4 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे अभियान में जो क्षेत्रीय गांव के जो चौकीदार थे उनका पूरा सहयोग लिया गया। इस बड़ी कार्रवाई को लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। कुछ क्षेत्र में सूचनाएं भी प्राप्त हो रही थी। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में, जिसके अंतर्गत ये आज सफलता प्राप्त हुई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।